नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर आदिवासी आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके पर बड़ा हमला बोला। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सारे अधिकारी मेरे इस बात पे विरोध में थे कि राज्यपाल ने जो 10 सवाल भेजे हैं उसका जवाब देना है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। फिर भी मैंने राज्यपाल के जिद को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता जो आरक्षण में, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, पिछड़े वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति, सबके लिए तो वो लागू हो जाए और कम से कम इसका जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाए, इसलिए मैंने जवाब दिया। लेकिन अब फिर से वो बहाना ढूंढे, परीक्षण कराऊंगी, मतलब विधानसभा से बड़े होगी वो विधिक सलाहकार, हम तो विधिक सलाहकार को पकड़ लेते, फिर तो कौन है भाई, वही खोजना पड़ेगा वो विधिक सलाहकार कौन है जो विधानसभा से बड़ा हो गया। जो काम यदि परीक्षण करना है तो वो कोर्ट परीक्षण करती है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो काम वो विधिक सलाहकार करेगा और इसी कारण से रुक रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है।